नारनौल विधानसभा सीट पर दो बार चुनाव जीतकर इतिहास रच चुके मंत्री ओम प्रकाश यादव अब 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव ने जाने अनजाने में खुद के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बुन लिया है जहां एक तरफ उनकी टिकट बच रही है तो दूसरी तरफ उनकी टिकट कट रही है। ओम प्रकाश यादव 2024 में किसी भी सूरत में टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते की रुकावट खुद उनका एक फैसला बन गया है। उनकी आत्मघाती गलती उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर गई है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आरती राव ने एक कार्यक्रम के दौरान एक प्यार से, लिहाज से और हक से कह दिया था कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए और 2024 में किसी युवा को नारनौल से चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। ओम प्रकाश यादव आरती राव की इस बात से नाराज हो गए, निराश हो गए और गुमराह हो गए। इसलिए ओम प्रकाश यादव ने चंद ही घंटों के बाद अपना पाला बदल लिया और वो राव इंद्रजीत की शरण छोड़कर सीएम खट्टर साहब के खेमे में चले गए। आपको यह भी याद होगा कि खट्टर साहब के आगे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में राव इंद्रजीत का एक बार भी अपने भाषण में ओम प्रकाश यादव ने जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अहिरवाल में बीजेपी के जड़े जमाने में सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत का रहा है। उन्होंने एक भी शब्द राव इंद्रजीत की खूबी के बारे में नहीं कहा। इससे ज़्यादा क्या होगा कि अपने भाषण में एक बार भी ओम प्रकाश यादव ने उनका नाम लेना जरूरी नहीं समझा। ओम प्रकाश यादव शायद ये समझ बैठे कि अब उन्हें राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं है और वह मंत्री बनने के बाद इस पोजीशन में आ गए हैं कि वे अपने बलबूते पर टिकट ला सकते हैं। उनको इस बात का बखूबी पता था कि खट्टर साहब के साथ राव इंद्रजीत का 36 का आंकड़ा है और इसी रिश्ते का फायदा उठाने के लिए ओम प्रकाश यादव ने पाला बदलने का काम किया। पन्ना प्रमुख के सम्मेलन में ओम प्रकाश धनखड़ और खट्टर साहब दोनों की तारीफ करके ओम प्रकाश यादव ने उनका विश्वास जीतने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं खट्टर साहब ने उनको बता दिया होगा कि नारनौल से अगर उन्हें तीसरी बार टिकट हासिल करनी है तो उन्हें राव इंद्रजीत का ही आशीर्वाद लेना होगा। खट्टर साहब की इस बात से, खट्टर साहब के इस सुझाव से ओम प्रकाश यादव गहरी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता ही बदल लिया था, लेकिन सियासी मजबूरी में अपना रंग बदलते हुए ओम प्रकाश यादव भी दोबारा से पुराना ट्रैक में आ गए और राव इंद्रजीत का गुणगान करना शुरू कर दिया। आप राव इंद्रजीत के बारे में उनकी इंद्रजीत चालीसा का बखान इस भाषण में सुनिए। राव दुलाराम की विरासत है, राव वीरेंद्र सिंह की विरासत है, राव इंद्रजीत सिंह जी की विरासत है, तो इनके बारे में कोई ज्यादा कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। सदा इन्होंने इलाके के हितों के लिए, सदा और सदा इलाके के हितों के लिए काम किया, कोई काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया और कहीं इस बात की कमी नहीं आने दी कि कोई व्यक्ति ये कह सके कि उस दिन कहाँ थे, उस दिन क्यों नहीं बोले। जब मौका मिला, इलाके में कोई कमी अखरी किसी की सरकार हो, इस परिवार ने हमेशा उसको उगला है और बहन जी इसी प्रकार की उम्मीद ये इलाका आपसे करता है। वही हुई तो बुजुर्गों से जिस प्रकार का जोर था, बात थी, जो वही उम्मीद ये इलाका आपसे करता है। उम्मीद नहीं, हमें उम्मीद है कि आप में जो हम जज्बा देखते हैं, बात देखते हैं, हमें लगता है कि सच्चे रूप में आप इलाके की उसी प्रकार से हमारी सेवा कर सकोगे, ये भी हमें जचता है। मैं इन शब्दों के साथ कुछ बातें बीच में एक बात में और कहूँगा। ये पत्रकार बंधु जो इस प्रकार की इस भाषण में आपको एहसास हो गया होगा कि अब ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत को मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो उनका पूरा गुणगान कर रहे हैं, उनका पूरा बखान कर रहे हैं और उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। यानी ओम प्रकाश यादव को समझ में आ गया है कि 2024 में अगर उन्हें तीसरी बार नारनौल से टिकट हासिल करनी है तो राव इंद्रजीत का आशीर्वाद हासिल करना सबसे ज़रूरी है। ओम प्रकाश यादव इस बात को भूल गए कि उनको विधायक बनाने में और उनको मंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत का रहा था। अगर राव इंद्रजीत चाहते तो उनकी बजाय किसी और को टिकट दिलवा सकते थे, अगर वो चाहते तो किसी और को मंत्री भी बनवा सकते थे, लेकिन अभय सिंह यादव के साथ बिगड़ी हुई बात के चलते राव इंद्रजीत ने ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनवाने का काम किया।
वो उनको मंत्री बनवाने के लिए अड़ गए थे, क्योंकि सीएम खट्टर साहब ओम प्रकाश यादव की बजाय अभय सिंह यादव को मंत्री बनवाना चाहते थे। लेकिन राव इंद्रजीत ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनाने का काम किया। इसके अलावा राव इंद्रजीत ने लगभग 3 से 4 बार उनकी कुर्सी बचाने का काम भी किया। सरकार की कसौटी पर, पार्टी की कसौटी पर अभी तक ओम प्रकाश यादव परफॉर्मर के तौर पर कायम नहीं हुए, यानी उनकी परफॉर्मेंस को ढीला माना गया और अभय सिंह यादव की परफॉर्मेंस को उनसे बेटर माना गया। इसलिए खट्टर साहब बीच में उनको मंत्री पद से हटाकर अभय सिंह यादव को मंत्री बनवाना चाहते थे, लेकिन राव इंद्रजीत ने ओम प्रकाश यादव की हिफाजत की और उनकी कुर्सी को बचाने का काम किया। इन सारे एहसानों को ओम प्रकाश यादव भूल गए और उन्होंने आरती राव के उस बयान को गंभीरता से ले लिया जो उन्होंने प्यार से, लिहाज से, अपनेपन से और हक के साथ दिया था। ओम प्रकाश यादव को नाराजगी जताने की बजाय, खट्टर साहब की शरण में जाने की बजाय राव इंद्रजीत के पास जाना चाहिए था और आरती राव के साथ बैठकर 2024 के चुनाव के लिए अंतिम बार टिकट देने की गुजारिश करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो राव इंद्रजीत की फैमिली उनको टिकट देने के लिए शायद सहमत भी हो जाती, क्योंकि जब 2 बार वो उनको टिकट दिलवा सकते हैं तो 3री बार भी वो ऐसा काम कर सकते थे। लेकिन ओम प्रकाश यादव ने ऐसा करने के बजाय विरोधी खेमे के साथ हाथ मिला लिया, जिसके चलते राव इंद्रजीत का नाराज होना लाजमी है। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में हर शख्स जानता है कि राव इंद्रजीत दोस्ती भी पूरी निभाते हैं और दुश्मनी भी पूरी निभाते हैं। राव इंद्रजीत ने 10 साल तक पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं झुककर अपनी मिसाल को, अपनी साख को कायम रखा। अब पिछले 9 साल से बीजेपी में भी वो खट्टर साहब के साथ 36 का आंकड़ा रखे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस मान सम्मान के साथ राव इंद्रजीत काम करना चाहते हैं, अपना वजूद रखना चाहते हैं और सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, वो रास्ता खट्टर साहब को रास नहीं आया और खट्टर साहब ने राव इंद्रजीत को नीचा करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन अपने बलबूते पर वो राव इंद्रजीत को झुकाने में सफल नहीं हुए। राव इंद्रजीत को इस बात का भी गुस्सा है, इस बात की नाराजगी है कि ओम प्रकाश यादव ने एक छोटे से बयान के ऊपर उनका साथ छोड़कर, उनका विश्वास तोड़कर खट्टर साहब के शरण में जाने का काम किया। यही वजह है कि अब 2024 के चुनाव के लिए राव इंद्रजीत की फैमिली अब नारनौल सीट पर ओम प्रकाश यादव की टिकट पर काटा मार चुकी है। आरती राव के पिछले 15 दिन के 2 बार के नारनौल के नोरे भी आपको ये संकेत देने का काम करेंगे कि वो अब सामान्य दौरे की बजाय अब मिशन नारनौल पर निकली हुई हैं और वो नारनौल में किसी शख्स की तलाश कर रहे हैं, वो ऐसे चेहरे की तलाश कर रही हैं, वो ऐसे दावेदार की तलाश कर रही हैं जो ओम प्रकाश यादव की जगह ले सकें। यानी राव इंद्रजीत फैमिली ने अब ओम प्रकाश यादव के विकल्प के तौर पर नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। यानी ओम प्रकाश यादव के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है और उनके लिए 2024 के चुनाव में यहाँ से 3री बार टिकट लेना आसान नहीं होगा। साफ सी बात है, यहाँ की टिकट उसी को मिलेगी जिसे राव इंद्रजीत चाहेंगे, और राव इंद्रजीत फिलहाल ओम प्रकाश यादव से नाराज हो चुके हैं, उनसे खिलाफ हो चुके हैं और 2024 के चुनाव में अब उनकी बजाय किसी दूसरे चेहरे की तलाश कर रहे हैं। यानी ओम प्रकाश यादव ने अपनी आत्मघाती गलती के चलते अपने लिए कांटे बिछाने का काम किया है, अपने लिए गड्ढा खोदने का काम किया है और अपनी टिकट पर सवालिया निशान लगाने का काम किया है। ओम प्रकाश यादव अहिरवाल में राव इंद्रजीत की फैमिली के सबसे नज़दीकी नेता थे, उनके ऊपर पूरा परिवार भरोसा करता था और इसलिए 2 बार उनको विधायक बनाने के अलावा मंत्री बनाने का काम भी किया। लेकिन ओम प्रकाश यादव आरती राव के एक छोटे से भाषण से, एक अपनेपन की बात से नाराज हो गए और बगावत कर बैठे, और राजा साहब की डायरी में बगावत के लिए इनाम की बजाय सजा का वसूल है और इसी सजा के कारण ही राव इंद्रजीत 2024 में नारनौल सीट पर ओम प्रकाश यादव की टिकट कटवाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश यादव को भी एहसास हो गया है कि उन्होंने बड़ी आत्मघाती गलती की है, जिसके चलते उनकी टिकट पर संकट के बादल मंडरा गए हैं और 2024 में राजा साहब उनकी टिकट काटने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि ओम प्रकाश यादव अब टिकट बचाने की मुहिम में जुट गए हैं और उन्हें शुभचिंतकों ने बता दिया है कि उनकी टिकट बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत ही करेंगे। इसलिए ओम प्रकाश यादव ने अब पिछली गलती को सुधारते हुए दोबारा से राव इंद्रजीत का गुणगान शुरू कर दिया है और राव इंद्रजीत चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। राव इंद्रजीत को लेकर अब ओम प्रकाश यादव के ये भाषण के तेवर बता रहे हैं कि वो उनके आगे नतमस्तक हो गए हैं, झुक गए हैं और उनका गुणगान करके 2024 में टिकट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव इतनी बड़ी गलती कर गए हैं कि उनको माफ़ी देने का काम शायद राव इंद्रजीत ना करें।
ये भी बात है कि राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स अब आरती राव के हाथों में चली गई है और वो आरती राव की पसंद के हिसाब से भी फैसला लेने का काम करेंगे, क्योंकि आरती राव ही अब फ्यूचर की पॉलिटिक्स में उनकी सियासत की उत्तराधिकारी हैं। आरती राव के बयान के बाद, आरती राव के मिजाज के बाद, आरती राव के दो बार के नारनौल के दौरों के बाद ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो नारनौल में अब ओम प्रकाश यादव के बजाय किसी नए चेहरे की तलाश कर रही हैं, और यही वजह है कि 2024 में ओम प्रकाश यादव के टिकट बचने की बजाय कटने के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी आत्मघाती गलती के चलते ओम प्रकाश यादव ने खुद अपनी टिकट पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया है। ओम प्रकाश यादव की इस इंद्रजीत चालीसा का कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, और वो टिकट बचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश भी करने का काम करेंगे। अब देखने की बात ये कि क्या उनकी कोशिश कामयाब होगी या उनकी कोशिश फेल रहेगी और राव इंद्रजीत फैमिली उनकी टिकट को कटवाने का काम करेगी। ओम प्रकाश यादव अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या वो अपनी गलती को सुधार पाएंगे और क्या राव इंद्रजीत फैमिली उनको माफ़ करने का काम कर पाएगी। अहिरवाल में नारनौल की इस पॉलिटिक्स की गहराई को जानने के लिए, इस ऊपर नीचे की पॉलिटिक्स के लिए और इन बनते बिगड़ते रिश्तों को अंदर से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।